हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल बीइंग अ न्यू मॉम। आज का हमारा टॉपिक बहुत ही एक्साइटिंग है। जैसे ही हम मॉम बनते हैं वैसे ही हमारी जर्नी शुरू हो जाती है बेबी की डायपर्स चेंजिंग की। तो दिन में कई बार हम बेबी के डायपर चेंज करते हैं, कई बार हम उसकी पॉटी धुलाने में डालते हैं, तो ये काफ़ी हेक्टिक काम हो जाता है। तो इसीलिए हम बेबी को पॉटी ट्रेनिंग देना शुरू करते हैं। बेबी को पॉटी ट्रेनिंग कब देना चाहिए? बेबी जैसे ही बैठना शुरू कर देता है आप उसे पॉटी ट्रेनिंग दे सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि बेबी को एक या दो साल बाद पॉटी ट्रेनिंग देनी चाहिए, आप 6 महीने के बाद बेबी को पॉटी ट्रेनिंग दे सकते हो। वो बहुत सिंपल है। पॉटी ट्रेनिंग जल्दी शुरू करने के नुकसान तो कोई भी नहीं है, लेकिन इसके कई सारे फायदे हैं। आपका बेबी जल्दी से जल्दी पॉटी ट्रेनिंग मिलने से जल्दी वो इंडिपेंडेंटली पॉटी करना सीख जाएगा। आपको थोड़ी कम तकलीफ होगी, अगर आप जॉब करते हो तो भी आपके लिए इजी होगा। आपके पीछे अगर आपके बेबी को कोई और संभाल रहा है तो उसके लिए भी एक ईजी टास्क हो जाएगा, और आपके बेबी को घंटों डायपर में नहीं रहना पड़ेगा। तो इसलिए पॉटी ट्रेनिंग की शुरुआत आप जल्द से जल्द कर सकते हो। तो पॉटी ट्रेनिंग देना बेबी को शुरू में आपको थोड़ा डिफिकल्ट लग सकता है। ये कितना डिफिकल्ट है ये आप इस वीडियो में देख सकते हो। तो चलिए हमारा वीडियो शुरू करते हैं। खाली कर रहा है, खाली कर रहा है। तत्व कई बाजे, कई बाजे। चल जाओ ना आपने। लेकिन आप पॉटी ट्रेनिंग जैसे ही शुरू करोगे 2 या 3 दिन में आपका बेबी पॉटी ट्रेन हो जाएगा। तो ये पॉटी ट्रेनिंग कैसे देने चाहिए? शुरू में आप बेबी को ऐसे ही पॉटी पर बिठाएं और उसको खिलाएं, मतलब उसको उसके साथ खेलिए। उसको एक पॉटी ट्रेनिंग एक ज़बरदस्ती नहीं लगनी चाहिए। उसको पॉटी पे बैठना कोई ज़बरदस्ती नहीं लगनी चाहिए। उसे बिना वजह आप पॉटी पे बिठाए और उसके हाथ में कुछ खिलौने पकड़ाए, उसे उस पर बैठने की सिर्फ आदत कीजिए। 1-2 दिन उसे आदत होने दीजिए, फिर उसे पॉटी पे बैठना शायद उतना डिफिकल्ट नहीं लगेगा। दूसरी टिप ये है कि आप बेबी, जैसे आपका बेबी 6 या 7 महीने का हो जाता है, उसके बाद आपको बेबी की टाइमिंग्स पता होती है कि बेबी को, मतलब बेबी कब पॉटी के लिए रेडी है। वो प्रेशर देता है या जो भी, आपको पहले जो उसके साइंस होते हैं कि हाँ अभी वो पॉटी करने वाला है, तो जो भी वो साइंस है उसको समझे और उसके अनुसार उसको फिर आप उसको पॉटी दे सकते हो। वो पॉटी पे बैठना शुरू कर देगा। हो सकता है शुरू में पहले ही वो पॉटी कर दे, या फिर पॉटी पे बैठने के बाद वो पॉटी ना करे, ऐसा हो सकता है। कुछ दिन आपको स्ट्रगल करनी पड़ेगी, लेकिन ये बाद में ईजी हो जाएगा। आप चाहे तो बेबी को थोड़ा सा एक ग्लास, मतलब अगर बेबी को आप छोटा प्याला देते हैं पानी पीने के लिए, तो उसे थोड़ा सा पानी पी लाए तो थोड़ा सा प्रेशर क्रिएट होगा तो वो पॉटी करना शुरू कर देगा। और इसके बाद में आप उसको बॉटल भी पकड़ा सकते हो, पानी की बॉटल, और आपके साथ में वो सबके साथ बैठे रहेगा और पॉटी ट्रेन करोगे। उसको ज़रूरी नहीं है आप एक सेपरेट जगह दें या फिर टॉयलेट में ही उसकी पॉटी रखें। आप जहाँ पर बैठते हैं, सब लोग जहाँ पर बैठे होते हैं वहाँ पर भी उसको बिठा सकते हैं, तो उसे ये कोई चीज़ डिफ़िकल्ट नहीं लगेगी या फिर उसे बहुत बोरिंग नहीं होगा। वो अपना नॉर्मल रूटीन होगा उसके लिए। तो आप ये चीज़ कर सकते हैं, उसे पानी की बॉटल थमा दीजिए या फिर उसे खिलौने थमा दीजिए, तो वो खेलते रहेगा। इसके बाद सबसे ज़रूरी एक और बात है कि आपको पॉटी कैसे चूज़ करनी है। आप अपने बेबी को पॉटी, जब भी आप मतलब पॉटी खरीदने जाए तो बेबी के साइज़ के अकॉर्डिंगली पॉटी खरीदिए। वो उसके लिए कंफर्टेबल होनी चाहिए। बेबी बहुत छोटा नहीं होना चाहिए या फिर बेबी के लिए वो पॉटी बहुत छोटी या बहुत बड़ी नहीं होनी चाहिए। तो आप उसे प्रॉपरली चूज़ करें जो बेबी उस पर बैठने के लिए कंफर्टेबल हो। तो ये पॉटी ट्रेनिंग का आज का वीडियो था। ये बहुत हेल्पफुल है। मेरी बेबी को 7 महीने में मैंने शुरू किया, जैसे ही उसने बैठना शुरू किया मैंने उसको पॉटी देना शुरू कर दिया, और ये मेरे लिए बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। बहुत मेरी लाइफ इससे शॉर्ट हो गई है, बहुत सिंपल हो गई है। अब मुझे बार बार उसको लेके टॉयलेट की तरफ दौड़ना नहीं पड़ता और उसे मुझे घंटों तक डायपर में नहीं रखना पड़ता है। अभी उसके साइंस मुझे जैसे ही समझ में आ जाते हैं पॉटी उसे दे देती हूँ और वो अच्छे से इन्जॉय करता है। तो जितना जल्दी हो सके आप अपने बेबी के लिए पॉटी ट्रेनिंग देना शुरू कर सकते हैं, क्योंकि अर्लियर इज़ बेटर।
तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा आप शेयर कीजिए, आपके व्यूज शेयर कीजिए, हमको अपना फीडबैक दीजिए, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना और लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू।